115 पर फोन कर, कह दे कि एक अजनबी लोफर लड़का तुम्हारा रास्ता रोक के खड़ा है, आज पुलिस आएगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा मारुख। देख कमीने, तू मुझे इज्जत नहीं दे सका तो बदनामी ना दे मुझे। गलती होगी मुझसे, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। तू चल मेरे साथ, अभी निकाह करूंगा। मुझे कोई खुदा का हुक्म नहीं है तो मैं तुमसे ही निकाह करूं। जा, कोई और ढूंढ, मुझे भी कोई और मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा मेरे अलावा, कौन है? तू मेरा ड्रामा तो चलने दे, फिर देखना कौन कौन आएगा। तुमसे भी मशवरा करूंगी, तस्वीरें, प्रपोजल सब दिखाऊंगी तुझे, फिर तुम चुनकर बताना तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। मारुख, बाहर से तुम, अंदर से मैं देख लूंगी। उस दिन तेरे घर के दरवाजे के बाहर से मेरी लाश मिलेगी। अभी एक लाश घर पर छोड़कर आई हूं, दूसरे की हसरत है कि दरवाजे पर देखूं। देखूंगी तो यकीन आ जाएगा कि कोई है जो मरने की बात करता है तो मर के भी दिखाते। मुझे भी लगता था कि तेरे बगैर जीऊंगी तो चुटकी में मर जाऊंगी, पर देख मरी हूं और अल्लाह के फजल से तुम भी नहीं मरोगे। मर गया तो मान लोगी कि मैं बेवफा नहीं हूं? तू मरेगा सैंडू, चल हट। बस यही हिम्मत है तुम्हारी, एक छोटी सी छुरी नहीं मार सकते थे अपने पेट में? क्या बात करती हो स्वीटी, छुरी देखी है तुमने? गोश्त की बोटी को गाजर काट देती है। मैं इस छोटी वाली की बात कर रही हूँ, ये मार लेते तो एक छोटा सा जख्म होता और मुंह में दवाई लगाकर फौरन ठीक कर देती। मगर लोग ये तो ना कहते कि फरमानी सुबह। अब मार लूं? अभी तो वो चली गई है, कल जब वो उतरेगी ना तो देखते ही मार ले, देखना जाएगी। और मेरा क्या होगा? ये मोटी चमड़ी है तुम्हारी, जरा सा खून निकलेगा और बस। और बस? बस क्या? ओहो जानू, कहाँ ना, दवाई है मेरे पास, फौरन लगा दूंगी, शाम को ठीक हो जाएगा। अगर शाम तक ठीक ना हुआ तो? यू डोंट ट्रस्ट मी। नहीं, ट्रस्ट बहुत करता हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं। कल तुम उन दोनों माँ बहनों को भी तो पता चले, और अल्लाह माफ करे वो तो ये समझती कि तुम मर भी नहीं। जरूरत पड़े तो गोली भी मार लेना। गोली कहाँ मारूं? पैर के ऊपर। तो दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा? नहीं, उसके के लिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी ना। अच्छा अब तुम आराम करो, तेज तो करनी ही पड़ेगी ना, तो आलू भी नहीं कटता। आलू भी नहीं कट।
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसे हो जलाली? ठीक सर. लगता है रात को तुम ठीक से सोए नहीं. सर आपके सामने केस लड़ूंगा तो सहूंगा कैसे? फिर मैंने नींद की गोली ले ली थी, उसने सुला दिया. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं कह सकता क्योंकि मेरे क्लाइंट की जान बहुत कीमती है. तुम्हारा भी दिमाग ठीक नहीं है जलाली. हारे हुए केस पर मेरा भी वक्त जाय करने आयो. इस बहाने से आपको अच्छी फीस मिल जाएगी सर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. डोंट वरी अबाउट इट. उच्चा साहब की आदत है वो सामने वाले वकील को दबा कर रख देते हैं और कभी कभी हाथ से भी दबा देते हैं. रिलैक्स. लेट्स गो. चल चूतिया. खा. नहीं बस तीन खा लिए. अब चिल्ली है कुत्तिया. ओ इसे तेरा प्यो खाएगा. उसकी तरफ मत देख. ओए वो पहले ही बड़ा गुस्से में है. चल खिला. खा. शाबाश. खोल खोल मुंह खोल. अब बस. अरे अभी तो चार हुए हैं. 21 खिलाने हैं मैंने तुझे. 21? सच बोलेगा तो 4, झूठ बोलेगा तो 21. ना कर साजन यार, मैं मर जाऊंगा. अरे खा पी कर मरेगा तो तेरी बीवी गिला नहीं करेगी. खा. मैं नहीं खाऊंगा. अब मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं खिलाऊंगा तुम्हें. जब तक 21 पूरे नहीं ना होंगे छोड़ूंगा नहीं. चल का. मैं नहीं खाऊंगा. का. मुलजिम इकबाल जुर्म कर चुका है और आला कत्ल भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है. फिर भी आप इस केस पर जिरह करना चाहते हैं. क्या मुलजिम अपना बयान बदलना चाहता है? हरगिज नहीं सर. मुलजिम अपने बयान पर कायम है और मैं इस बात पर डटा हुआ हूं कि अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले मुझे
और मेरे फाजल दोस्त को मुलजिम और गवाहान पर जिरा करने की इजाजत दे। आप क्या कहते हैं जनाबे वाला? जलाली साहब कई सालों से किसी बड़े केस में पेश नहीं हुए, इसलिए ये आज जिरा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मोहाली में सेमीफाइनल के आखिरी चार ओवर तक हमारी टीम हार चुकी थी मगर मिसबाउल हक खेल रहा था। हुजूर वाला, सेमीफाइनल तो हम 1992 में भी हार चुके थे मगर इंजमामुल हक खेल गया था। अगर आप इस बात को मानते हैं हुजूर वाला, तो बुच्चा साहब से कहिए कि मैच खेलें। आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है बुच्चा साहब, मैच खेले। मैं जलाली साहब की तसल्ली के लिए मुलजिम से कुछ सवाल करना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। मिस्टर वारिस अली, तुमने अपने इकबाली बयान में कहा है कि 15 दिसंबर 2010 को 11 बजे दिन तुम लुबना हमीद के साथ मिनिस्टर जकी अहमद मरहूम के घर उनसे मुलाकात करने गए थे, क्या ये सच है? सच है। क्या ये भी सच है कि तुमने लुबना हमीद को मिनिस्टर साहब के घर सिटिंग रूम में रुकने के लिए कहा और इसरार किया कि तुम मिनिस्टर साहब से वन ऑन वन मुलाकात करना चाहते हो? ये भी सच है। उसके बाद मिनिस्टर साहब तुम्हें लेकर ड्राइंग रूम में चले गए और तुम्हें अपने सामने सोफे पर बिठाया और तुमसे आने का सबब पूछा, बातचीत शुरू हुई। अचानक तुमने अपने डब से पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल मतलब मौजा। मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर तुमने फायर किया। गोली जकी अहमद मरहूम की कनपट्टी पर लगी और उसने तुम्हारे देखते ही देखते जान दे दी। मौजूद अदालत को बताओ कि जो मैंने वकुआ बयान किया है उसमें कोई गलती नहीं की। जी जनाबे वाला, इन्होंने कोई गलती नहीं की। जनाबे वाला, अब तो जिरा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसके बावजूद अगर मेरे दोस्त जलाली साहब चाहते हैं तो मोहाली में आखिरी चार ओवर खेल सकते हैं। जी जलाली साहब, आखिरी चार ओवर्स खेलेंगे? जी हुजूर वाला, जरूर खेलूंगा, लेकिन मोहाली में आखिरी चार ओवर्स खेलने की बजाय मैं क्राइस्ट चर्च में आखिरी 10 ओवर खेलना चाहूंगा हुजूर। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे मुलजम से इस कत्ल के हवाले से चंद सवाल करने की इजाजत दीजिए। मिस्टर वारिस अली,
आप कितने बहन भाई हैं? हम तीन बहन भाई थे, मुझसे छोटी एक बहन थी और उससे छोटा एक भाई था। थे मतलब अब नहीं हैं? वो दोनों मेरे अब्बा जी और अम्मी जी के साथ 15 अगस्त 1947 को चंडीगढ़ से लाहौर आते हुए शहीद हो गए थे। सुभान अल्लाह, आप उनमें से हैं जिनके खून से इस मुल्क को घुट्टी दी गई। ऑब्जेक्शन जनाबे वाला, इस सवाल का इस कत्ल के केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है जनाबे वाला। 15 अगस्त 1947 को शहीद होने वाले उन चार लोगों का 15 दिसंबर 2010 को होने वाले इस कत्ल से गहरा ताल्लुक है हुजूर। बुच्चा साहब अगर सबर का दामन थाम कर बैठे तो मैं इनको बताऊंगा कि कभी कभी 63 साल बाद होने वाले कत्ल की बुनियाद 63 साल पहले रख दी जाती। बुच्चा साहब आप बैठकर सुने। मिस्टर वारिस अली, कितनी उम्र है आपकी? 82 साल। 82 साल में आपने कितने खून किए? आप खून करने पर भी हंस देते हैं? बताइए मिस्टर वारिस अली, इस उम्र तक पहुंचने में आपने कितने खून किए? मैंने तो कभी चिड़ी भी नहीं मारी वकील साहब। कमरे में काकरोच निकल आए तो भौंकर से उठा के बाहर फेंक देता हूं। चूहा निकले तो रिक्वेस्ट करता हूं, या बीबा अपना काम कर। अच्छा मिस्टर वारिस अली, जिन दरिंदों ने आपकी बहन, आपके भाई और आपके पेरेंट्स को शहीद किया, अगर वो उस वक्त आपको मिल जाते तो आप उनके साथ क्या सलूक करते? एक एक को चार चार वरी मारता। और कैसी अजीब बात है जनाबे वाला कि उस वक्त इन्हें कातिल कहा जाता, ना ही इनके बयान को इकबाली बयान समझकर बुच्चा साहब जैसा माना हुआ वकील अदालत से इनके लिए सजा की दरखास्त करता। ये सब क्या हो रहा है जनाबे वाला? इन बातों का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक? मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस केस को तादीरात पाकिस्तान दफा 302 के पैरामीटर में रहकर सुना जाए और मेरे फाजिल दोस्त को मना किया जाए कि वो अपनी बचकाना बातों से अदालत का वक्त जाया ना करें। दलील सुनने में कोई हर्ज नहीं है बुच्चा साहब, इस बात का फैसला बाद में करेंगे कि कौन सी बातें बचकाना है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। मैं अदालत से भी दरखास्त करना चाहता हूं कि वो मेरे साथ मिलकर तारीख के उस हौलनाक इंसिडेंट को याद करे जब दो मुल्कों में बंटवारे की लकीर 20 लाख इंसानों के खून से खींची गई थी। आइए उस शायर के तराने को भी याद करते हैं जिसने कहा, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। उन लाखों जानों में चार जानों की कुर्बानी इस मुल्ज़िम ने भी दी। जनाबे वाला, हमारे लिए तो पाकिस्तान बना, ये उनमें से एक है जिसने पाकिस्तान बनाया। तो सोचने बात यह है जनाबे वाला
कि जिसको इस मुल्क के लिए जान देने की आदत हो, जो इस मुल्क के काकरोजों और चूहों से भी प्यार करता हो, वो इस मुल्क के मिनिस्टर की जान क्यों लेगा? लगता है मैं किसी हिस्ट्री की क्लास में बैठा हूं। उन मुल्कों में बड़ी तबाही आती है बुच्चा साहब, जहां लोग हिस्ट्री की क्लास में बैठने से डरते हैं। आप कहिए जलाली साहब, आपको अपना पॉइंट साबित करने के लिए अदालत मौका जरूर देगी।